अगर आप रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए कुछ हैक सीखना चाहते हो या अगर आप ऑलरेडी एक रीडर हो बस रीडिंग को एक अच्छे पर्सपेक्टिव से समझना चाहते हो देन ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो। हेलो एवरीवन, सो आपका भाई दिव्यांश आ चुका है एंड आज आपसे शेयर करेगा रीडिंग हैक्स जो कि है फ्रॉम द बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव रीडर्स नॉट पीपल। नाउ 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल तो यार सेल्फ इंप्रूवमेंट की सबसे फेमस बुक है। अगर मैं एसआरके की भाषा में बोलूँ तो नाम तो सुना ही होगा। नहीं वैसे वो एसआरके नहीं है, नाम तो सुना होगा। हाँ वो राज नाम तो सुना होगा ना बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। सो एनीवेज कमिंग टू द पॉइंट, इस बुक के ऑथर है अमरुद देशमुख जिनसे मैंने इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट किया था। उनका मिशन है मेक इंडिया रीड, मतलब ऐसे लोगों से मैं कनेक्ट करके बहुत फैसिनेट फील करता हूँ क्योंकि मैं भी खुद उस विजन की तरफ हूँ। मेरा बहुत मन करता है कि यार रीडिंग एक ऐसी हैबिट है जिसने मेरी लाइफ बदली है, तो क्यों ना मैं अपने कंटेंट के थ्रू अपनी बुक समरीज के थ्रू लोगों को एनकरेज करूँ कि वो बुक्स रीड करें। नाउ व्हेन वी कनेक्टेड ही वाज काइंड इनफ टू सेंड मी अ कॉपी ऑफ दिस बुक। बहुत ज़्यादा अच्छे लेसन हैं इस बुक से अगर आप सीखना चाह रहे हैं रीडिंग के बारे में। तो मैंने सोचा नॉट विद एन इंटेंशन कि मैं प्रमोट करूँ, यू नो मैं ऐसे नॉर्मली बुक प्रमोट भी नहीं करता हूँ क्योंकि लोग आते हैं कि सर आप हमारी बुक पढ़ दो या फिर हमारे लिए पोस्ट कर दो, वो मुझसे होता नहीं है। बट अगर कोई बुक मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छी लगती है तो नथिंग कैन स्टॉप मी टू मेक अ वीडियो ऑन यूट्यूब। तो आज की वीडियो में यही होने वाला है, मैं ऐसे आपसे 7 हैबिट्स शेयर करने वाला हूँ जो आपको रीडिंग में बहुत हेल्प करेगा। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए। नंबर 1, डोंट टेक रीडिंग टू सीरियसली। हम कोई भी बुक उठाते हैं ना तो हमें लगता है यार ये तो खत्म ही करनी पड़ेगी, ऑथर ने हमारे सर पे यहाँ पे बंदूक रख दी है कि भाई तुझे खत्म करनी पड़ेगी वरना तू कहीं जा नहीं सकता। और इवन इफ हम बुक कहीं साइड में छोड़ देते हैं तो फिर हमें बहुत गिल्ट होता है। तो इस बुक में ऑथर एक बहुत अच्छा टिप शेयर करते हैं, दैट इज कि अगर आपने कोई बुक शुरू करी है तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको वो खत्म करनी है। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है उसको खत्म करने की, उतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल ऑथर भी है आपको उस बुक में हुक रखने के लिए। तो अगर ऐसा लग रहा है आफ्टर रीडिंग अ लॉट ऑफ पेजेस कि यार मुझे ना वो फील नहीं आ रही, मुझे वो वैल्यू नहीं मिल रही इस बुक से, तो इट्स ओके टू कीप द बुक असाइड। मे बी वो बुक शायद ऐसा है कि जिससे आप अभी रिलेट नहीं कर पाओगे, बाद में शायद कर लो या फिर अभी उस माइंड स्टेट में ही नहीं हो। मैं इसमें अगर अपना एग्जाम्पल शेयर करूँ तो मेरे साथ ऐसा फील होता है जब मैं सदगुरु की कोई बुक्स पढ़ता हूँ, मतलब आई रिस्पेक्ट द वर्क ही इज डूइंग बट मुझे इतना रिलेटेबल फील नहीं होता। प्लस उनकी जैसी बुक्स होती है ना ऑन डेथ, तो मुझे वो सोच के लगता है यार अभी से मैं डेथ का नहीं सोचना चाह रहा। इट्स नॉट कि मैं कैपेबल नहीं हूँ सदगुरु की बुक्स रीड करने का, इट्स जस्ट मेरा माइंड स्टेट अभी वैसा है ही नहीं। सिमिलर थिंग हैपेंड विद मी जब मैं थिंक लाइक अ मंक पढ़ रहा था। जब मैंने उसको पहली बार पढ़ा तो मुझे वो बहुत ओवररेटेड बुक लगी, बट जब आफ्टर अ वाइल मैंने उसको 2-3 महीने बाद ऐसे पढ़ के देखा मुझे अच्छी लगी काफ़ी। तो पहले मुझे लगता था कि लोग बोल रहे हैं यार ये तो ऐसी है, मुझे ओवर हाइप लगी, उसके बाद ठीक लगी। तो इट्स जस्ट द माइंड स्टेट देन एंड नाउ वॉज डिफरेंट। नेक्स्ट इज फिल इन द टाइम पॉकेट्स। ऐसा बहुत बार होता है कि हमारे पास पूरे दिन में खाली टाइम होता है, मतलब प्रोडक्टिव चीज़ें हम कर रहे हैं बट बीच में गैप्स आ जाते हैं ना। मान लो आप मेट्रो पे ट्रैवल कर रहे हो अकेले, या मान लो आप कैब में किसी का वेट कर रहे हो, किसी दोस्त का वेट कर रहे हो, या कोई लाइन में खड़े हो। तो इसमें अमरुद देशमुख यही कहते हैं कि मैं क्या करता हूँ, मतलब अमरुद सर, कि जो भी मेरे पास खाली टाइम होता है आई प्रेफर कि मैं बुक रीड कर लूँ। और उसमें उन्होंने ये भी बताया कि बुक ऐसी चीज़ है कोई नहीं चुराएगा, अ थीफ नेवर स्टील्स अ बुक। तो विच आई थिंक मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस एंड मुझे खुद लगता है कि यार जब मैं मेट्रो पे होता हूँ या ऐसे अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ तो मे बी आई कैन ऑल्सो गिव इट अ शॉट कि मैं बुक वगैरह रीड कर रहा हूँ, क्योंकि इट्स एनी डे बेटर देन यूजिंग अ मोबाइल फोन। आप यूज़ करते हो, गाने वगैरह सुनते हो तो ठीक है, अगर वही करना तो आप घर ही बैठ जाओ। तो मुझे ये थॉट फील होता है। तो अपने दिन को समझो, आपके पास ऐसे क्या क्या खाली मोमेंट्स हैं जब आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ प्रोडक्टिव किया जा सकता है। तो ये चीज़ तो आप कर सकते हो। इनफैक्ट मैं काफ़ी लोगों को ये भी सजेस्ट करता हूँ कि अपने लिए एक फिक्स टाइम कर दो फॉर रीडिंग। जैसे मेरे लिए है कि मैं रात को सोने से पहले जर्नलिंग करूंगा, रीडिंग करूंगा एंड टू डू बनाऊंगा, इट्स माई रूटीन। तो अब मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं है रीडिंग क्योंकि अब एक पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल है। तो आप एक पर्टिकुलर टाइम अपने लिए फिक्स कर सकते हो कि यार इस टाइम पे मैं फ्री रहता हूँ। बट मुझे सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल रीडिंग को लगता है वो इंस्टाग्राम रील्स। मतलब ऐसा होता है ना कि काफ़ी लोग यूँ करते हैं कि रात को वो सोने से पहले रील्स देखते हैं। वंस इन अ वाइल इट्स ओके, मतलब मान लो छुट्टी का दिन है, वीकेंड है, अगले दिन हॉलीडे है, तो आप आराम से रात को थोड़ा बहुत ऐसे रील्स वगैरह देख रहे हो। बट अगर आपका ये रोज़ का ही पैटर्न है कि यार मैं हर रोज़ रात को रील्स स्क्रॉल करता हूँ, सो जाता हूँ, तो आप अपने माइंड में फालतू की एंग्जाइटी डाल रहे हो, फालतू में अपने माइंड का जो कंटेंट है उसको खराब कर रहे हो। तो इट्स बेटर कि आप तब रील्स या फिर कुछ अच्छा कंटेंट कंज्यूम करो। थर्ड पॉइंट इज रीड रैंडम। तो इसको समझाने के लिए मैं एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ जिससे आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मान लो आप कोई भी बुक उठाते हो, इट ऑलवेज रिवॉल्व्स अराउंड वन सेंट्रल थीम। कोई एक ऐसा यूजफुल चीज़ होती है उसमें जो आपको लगता है आपकी लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। मे बी बहुत सारे हैक्स हो सकते हैं बट इट्स मोर पॉसिबल, इट्स मोर लाइकली कि आपको कोई एक हैक ऐसा मिलेगा
जो आप अप्लाई करोगे ना आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। तो मान लो आपको बुक में कोई पर्टिकुलर हैक मिल गया जिससे आपको पढ़ के लगा कि यार हाँ इस बुक को पढ़ने का पर्पस फुलफिल हो गया, तो कोई बात नहीं, कोई और बुक उठा लो। तो इसमें यही ऑथर कहना चाह रहे हैं कि जब आप एक बुक को रैंडम बेसिस पे रीड करते हो ना, कि कोई चैप्टर उठा लिया, किसी बुक से कुछ भी पढ़ लिया, तो जो मिक्स्ड आइडियाज आते हैं उससे एक ऐसा आउटपुट निकल के आता है जो काफ़ी यूनिक होता है। तो हमें एक जॉनर पे, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ बुक पे स्टिक नहीं रहना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नॉन फिक्शन पढ़ रहे हो, फिक्शन पढ़ सकते हो, फिक्शन पढ़ रहे हो तो बिजनेस बुक्स पढ़ सकते हो, बायोग्राफीज पढ़ सकते हो, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ सकते हो, रैंडम बेसिस पे पढ़ो। अपने आप को एक आइडेंटिटी से डिफाइन मत करो। इवन दो मुझे ऐसा लगता है मैंने अपने आप को काफ़ी चेंज करा है एज कम्पेयर टू पहले। पहले मैं सिर्फ एक कैटेगरी पे स्टिक करता था, दैट वॉज नॉन फिक्शन। उसके बाद मुझे धीरे धीरे लगा कि यार खाली नॉन फिक्शन नहीं होगा, मुझे थोड़ा बहुत राइटिंग में इंटरेस्ट आया, थोड़ा बहुत ऐसा लगा कि फिक्शन पढ़ के आई कैन लर्न मोर, तो मैंने फिक्शन भी एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। एंड उससे फ़ायदा ये हुआ कि जो मेरा रीडिंग स्लम था, कि मेरा मन नहीं कर रहा था रीड करने का, मैं उससे भी बाहर आ गया था। नंबर 4, गेट द बिग पिक्चर। इसके बारे में मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, क्योंकि ये थर्ड पॉइंट से काफ़ी सिमिलर है कि भाई बिग पिक्चर होती है एक बुक की, एक मेन सेंट्रल प्लॉट होता है एक बुक का, अगर आपको उसमें वैल्यू दिख गई है तो इट्स ओके टू रीड समथिंग न्यू। इनफैक्ट काफ़ी लोग तो पता है क्या करते हैं, मैंने एक बार जय शेट्टी की वीडियो देखी थी, वहाँ पे ही वो सजेस्टिंग कि उनका क्या तरीका है ऑफ रीडिंग बुक्स, तो वो बुक उठाते हैं, बुक का इंडेक्स पढ़ते हैं, एंड जहाँ पे उनको लगता है कि मेरे काम की चीज़ है वो पढ़ के कुछ और पढ़ लेते हैं। मतलब सीरियसली, बुक में आप अपनी वैल्यू ढूंढो। आप यूँ मत सोचो कि यार ये तो मेरे कोई सिलेबस में आएगा, मेरे एग्जाम में आएगा, कि मुझे स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़नी है। 5th पॉइंट इज रीड एंड डिस्कस। कहते हैं ना, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। तो अगर मान लो आपने कुछ भी ऐसा सीखा कि जो लगा माइंड ब्लोइंग, ऐसा होता ना कुछ पढ़ के बहुत क्रेजी लगा, तो कोई बात नहीं, अपने किसी भाई से, अपने किसी फ्रेंड से, अपने किसी बेस्ट फ्रेंड से शेयर करो कि यार मैंने ये बुक पढ़ रहा हूँ एंड आई लर्न दिस लेसन, जो मुझे काफ़ी इंसाइटफुल लगा। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस बात की है कि कॉन्वर्सेशन काफ़ी डीप हो जाएगी, अगर वो भी उतना इंटरेस्टेड हो रीडिंग को लेके, तो आप दोनों कुछ ऐसे डीप कॉन्वर्सेशन करने लग जाओगे एंड काफ़ी कुछ सीखोगे। और पता है, मेरे माइंड में पहले ये थॉट आता था कि ऐसा क्यों कहते हैं नॉलेज बांटने से बढ़ती है, मतलब नॉलेज इज़ पावर, तो अपने पास रखो ना पावर। मतलब फालतू थॉट था, आई नो, बट पहले आता था ये थॉट। तो फिर मैंने ऐसे ही पता नहीं किसी से तो पूछा था, तो उन्होंने काफ़ी, एक फ्रेंड था आई गेस स्कूल में या कॉलेज में, तो उसने बहुत सिंपल बात सजेस्ट करी कि भाई देख, अगर तेरे पास एक पर्टिकुलर नॉलेज है तो वो शेयर करता है, तो उन्हें अपना जो भी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, थॉट है, उसके आगे रख दिया, अब वो बंदा भी कुछ अपना बताएगा, तो दोनों की ग्रोथ हो रही है, दोनों को कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, तो नॉलेज बांटने से दुगनी हो जाती है। 6 इज रीड एंड पास इट ऑन। ये जरूरी नहीं है कि आप अपनी कलेक्शन बनाओ, कलेक्शन बनाना इज नॉट समथिंग आई वुड सजेस्ट। ये फंस गया सी है। इसमें मेरा ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट है कि मैं अपनी कलेक्शन प्रेफर करता हूँ, बट हाँ, इसमें ऑथर कह रहे हैं कि आप जो आप बुक्स पढ़ते हो, जो आपको लगता है कहीं ना कहीं लोगों को हेल्प कर सकती है, आप उनको ज़रूर वो बुक शेयर करो। नाउ ये चीज़ मैं करता हूँ, बट उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि बुक अगर चली जाती है ना, इफ़ यू पास इट ऑन टू समबडी, वो वापस कभी नहीं आती। मेरे लिए रीडिंग ऐसी चीज़ है यार जो दिल के थोड़े करीब है, तो मैं ज़्यादा शेयर नहीं करता बुक्स। मैं अगर देता हूँ बुक तो मैं वापस टाइमली मांग लेता हूँ। तो बस मेक श्योर करो आप शेयर करो बुक, बट उनसे मांग भी लेना भाई, मतलब वो देते नहीं बुक्स ऐसे। एंड फाइनली 7th पॉइंट जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है सेट अ रीडिंग टारगेट। अगर आप डेली 5 पेज भी पढ़ते हो तो एक महीने में आप 150 पेज पढ़ रहे हो। जिनको नहीं पता 150, मेरी तरह हिंदी थोड़ी कमजोर है, 150 पेजेस एक बिगिनर के लिए बहुत ज्यादा होता है, एंड अगर आप उतना भी कर रहे हो इट्स गुड फॉर हैबिट। तो यही थे यार ये वीडियो, आई होप आपको यूजफुल लगी हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप कौन सी बुक रीड कर रहे हो, और अगर आपने कोई बुक खरीदी है वो अलमारी के किसी कोने में पड़ी है एंड आप उसे रीड नहीं कर रहे हो, तो भाई उसको उठाओ और रीड करना शुरू करो, क्योंकि रीडिंग एक बहुत अच्छी हैबिट है यार। मतलब इसके बारे में मैं जितना मर्जी चाहे बोलूँ कोई लिमिट नहीं, क्योंकि मैं बहुत पैशनेट हूँ इसको लेके। बट रीडिंग आप डेवलप करिए, काफ़ी यूजफुल है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही यूजफुल कॉन्टेंट के लिए। अंटिल देन, टॉक, लाफ एंड इंस्पायर।